गुड फ्राइडे का ये पावन दिन जिससे पूरी इंसानियत को यह संदेश मिलता है कि हम मानवता के मार्ग पर चले। और गुड इवनिंग इंडिया के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टूडियो में स्वागत करते हैं एमिनेंट रिदम प्लेयर वेटरी भूपति जी का। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि मृदंगम एक दिव्य वाद्य, शायद सबसे प्राचीन वाद्य, किस तरह से आपको यह प्रेरणा मिली कि आप मृदंगम को अपने वाद्य की तरह चुने? मेरे घर में इसका वातावरण रहा है और हमारा जो फैमिली है वो कर्नाटिक संगीत में कुंभकोणम से बिलोंग करता है एंड देयर आर मेनी एमिनेंट म्यूजिशियंस इन माय फैमिली, सो वो नेचुरल था मेरे लिए। और मेरे फादर साहब जो रेडियो में कलेबाग में श्री प्रेम कुमार दिल्ली में थे और वो मृदंगम प्लेयर थे और उनके थ्रू मेरे को वो नेचुरली हेरिडिटरी मेरे को मिला वो चीज़, तो बचपन से सुना और देखा। तो गुरुजी पिताजी के साथ मैंने सफ़र शुरू किया था और उनके आशीर्वाद से कुछ सीखने को मिला, फिर सीखते सीखते फिर वो हो गया। फिर मैंने कारकुडी मणि वन ऑफ दी लेजेंड्स ऑफ मृदंगम गुरु श्री कारकुडी मणि जी से चेन्नई में जाके फिर दीक्षा मैंने प्राप्त की। तो मृदंगम वाज अ नेचुरल थिंग टू मी। 5 साल की उम्र से जो आपका सफर शुरू हुआ मृदंगम को लेकर और वहां से फिर तारमणि की उपाधि तक का ये सफर आपने जो तय किया, इस दौरान किन किन गुरु की तालीम आपको मिली? शुरुआत से मेरे पिताजी के अंडर ही मैंने सीखा कलेबाग श्री प्रेम कुमार जी, और मेरा सौभाग्य ये भी रहा कि मैं अपने दादाजी के सानिध्य में भी रहा। अच्छा। सिंगारम पिल्लई जो मेरे फादर के गुरु जी थे, और उसके बाद लेटर स्टेज 2002 फ्रॉम राइट आई वेंट टू गुरु कारकुडी मणि सर, उनका स्टाइल मेरे को बहुत ही इंस्पायर किया था और गुरु कारकुडी मणि जी लेजेंड है और उनसे सीखने का हर एक मृदंगम आर्टिस्ट को सपना होता है और मेरा, मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मेरा ये सपना पूरा हुआ और उनके आशीर्वाद से उनसे सीखने का भी मेरे को मौका मिला। तो ये मेरा सफर है। तो जैसे आपने कहा कि आपके सीखने की शुरुआत अपने पिताजी से हुई, आपको अपने दादाजी से भी सीखने का जो है सो अवसर मिला, फिर आपने श्री कारकुडी मणि जी से भी सीखा, और जैसे आपने खुद कहा कि उनका स्टाइल अलग था, तो अलग अलग गुरुओं से सीखने की वजह से आपके अपने स्टाइल पे इनका इन्फ्लुएंस कैसा रहा? वेरी ब्लेस्ड। आप देखिए, संगीत ऐसी चीज है कि आप सीखते तो बहुत तरीके से हैं। एक होता है गुरु के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप गुरु के सामने उनसे सीखना। एक होता ऑब्जर्वेशन, गुरु के साथ जाके सीखना, इसका मतलब होता है वो जो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, जब वो प्रैक्टिस में बैठते हैं तो उनको ऑब्जर्व करना, तो ये भी एक बहुत सीखने की चीज है। ऑब्जर्व करके मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं शायद आप सामने ना सीख पाए, तो एक ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। और उन चीजों को लेके, जैसे एक तो ये, जब कोई भी शरीर सीखे उसका स्टाइल बहुत अच्छे से सीखना होता है। यू शुड नॉट जंप, यू नो, तुरंत तुरंत एक एक साल में दो दो हम लगना ये अच्छा है ये अच्छा है, नहीं करना चाहिए। हमें एक स्टाइल को बहुत अच्छे से, जैसे जहां तक मेरा केस था, बहुत सालों तक उस अपने तंजावर स्टाइल जो हम लोगों का है अड़े के नंबर पहले स्टाइल, वो मेरे पिताजी का और मुर्गो भूपति से मेरे फादर साहब ने सीखा, दोनों के लेजेंड्स उनके साथ, तो उनका स्टाइल मिक्स हमने सीखा। उसके बाद जब हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैंने सुना कारकुडी मणि सर का, बहुत कौन से सुनते थे हम लोग, तो सुनना रहता है, तो उनको बजाने का उनका स्टाइल कुछ अलग था और उसका सिलेबस की साउंडिंग कुछ अलग, तो वो चीज़ मेरे को ऐसा मृदंगम प्लेयर स्टार्टर मेरे को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। सो इसलिए उनका वो स्टाइल का अप्रोच सीखने के लिए मैं गया और उन
उनका बड़ापन है जो उन्होंने मेरे को सिखाया। बच्चू जी आपने बात की कि अलग अलग गुरु, अलग अलग कलाकार, अलग अलग जो मृदंगम प्लेयर्स हैं, सबका एक अलग स्टाइल होता है। बात अगर मृदंगम की भी करें तो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है, पुराणों से हम इनका इसका वर्णन सुनते आते हैं। इतने सालों में आज तक आकर इसका रूप कई बार बदला है। पहले मृदंगम जो उसका क्ले के रूप में बनाई जाती थी, आज इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अलग अलग लकड़ी के इस्तेमाल का भी उसका ध्वनि जो निकलती है उसका फर्क पड़ता है? बिल्कुल है। वो आप मृदंगम बोलते हैं, मृदंगम से ऑथेंटिक संस्कृत वर्ड, अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे, उसको अगर करें तो मृत अंगम होता है, तो क्ले बॉडी है। तो ऑब्वियस है, मृदंगम रखा हो तो क्ले बॉडी से बना होगा, उस जमाने में क्ले बॉडी से बजाया। इट दीस इंस्ट्रूमेंट्स आर टेंपल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर व्हेन दे वर ओनली अलाउड टू प्ले इनसाइड द टेंपल, डेटी के लिए, ऑफरिंग के लिए होता था ये। तो उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी वो चीजें निकल के जब बाहर आई, सभा कचेरी में आई, तब क्या है कि ट्रैवलिंग ज्यादा होना शुरू हुआ म्यूजिशियंस का बहुत। तो इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी की वजह से और रेवोल्यूशन है, कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो फिर लकड़ी का प्रयोग किया गया। उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ शायद यूज होंगी, लेकिन जो प्रोमिनेंट वुड हम लोग मानते हैं, कोई भी आप कर्नाटिक म्यूजिक में ले लेंगे तो तवल हो गया, मृदंगम हो गया, खंजीरा हो गया, एंड इनफैक्ट आप इधर भी आ जाएंगे, गुलाबी हो गया, सब इनके लिए क्या है, बहुत प्रोमिनेंट लकड़ी मानी गई है जैक फ्रूट, कटहल की लकड़ी। और इसके पीछे आप पूछ भी सकते हैं और कौन लकड़ी नहीं यूज होती, क्यों नहीं यूज हो सकती है, तो उसका ये है कि ये मानता गया कि कटहल की लकड़ी से श्रुति जब आप मिलाते हैं मृदंगम के, श्रुति इट्स अ श्रुति इंस्ट्रूमेंट, ट्यून इट टू सम श्रुति, तो उस वो ट्यूनिंग उसी से अच्छी निकल गया थी। It's totally physics है, actually, उसको बाद में ये जो आप देख रहे हैं अगर मृदंगम, तो अंदर it's a hollow thing, ऊपर है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि कन ये है, पुड़ियां लगी हुई हैं और frets लगे हुए हैं लेदर के, ये सब sounds के लिए बनाए हैं। So changes हुए, अभी तो nuts वाले भी, nuts वाले, nutting वाले भी आ गए हैं, fiber का आ गया है, fiber का आ गया, वरदरागन जी ने बैंगलोर में बनाया है, तो काफी आ गया है। लेकिन मेरा पर्सनल जो है अभी भी ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक एक मृदंगम कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी जी लोग बजाते हैं, तो ये आपका अपना मृदंगम है या आपके अपने मेरे पीढ़ी से आया है? ऑफ कोर्स मेरे पीढ़ी से आया है, एंड आई थिंक ये आपके पुत्र को भी जाएगा, अब वो बजाएंगे तो ऑफ कोर्स, नहीं तो शागिर्द ही हमारे, देखिए ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये आपको मिल जाता है तो ठीक है आपकी पीढ़ी, अदरवाइज दिस आर्ट बिलोंग्स टू नो वन, बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। आप शागिर्द और अपने बच्चे में डिफरेंस करेंगे तो आप गुरु कहलाने के लायक नहीं मेरे हिसाब से। दे आर ऑल आर टॉर्च बेयरर्स, मैं भी किसी का टॉर्च बेयरर हूँ, और वहां से भी हमें भी कहीं, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, वहां से पीछे से उन लोगों को, हम लोग कहते हैं कि ये गुरुओं की भीख होती है, हम लोग आज कर रहे हैं, तो आई डोंट कंसिडर दिस माई अचीवमेंट, इट्स ऑल माई गुरुज अचीवमेंट, ऑल माई एंसेस्टर्स आशीर्वाद, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग की कोई अचीवमेंट नहीं होती है। सो ऑफ कोर्स ये चीजें बहुत डिवाइन है इस हिसाब से। तो यही सोच है आपकी जिससे आप आपके अपने म्यूजिकल रूप रुद्राक्षम के जरिए आगे लेकर जा रहे हैं? जी, रुद्राक्षम बनाने का एक बहुत ही मेरा एक पर्सनल थॉट था, वो इसलिए था कि देखिए हम लोग जनरली मृदंगम इज अ कंपनिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसको सोलो प्लेटफॉर्म में लाने का श्रेय कारेकोडी मनी सर, उमा परम शिवरामन से, ये लोग बहुत लेजेंड्स हैं, और कारेकोडी मनी सर स्पेशली वो एक प्लेटफॉर्म में सोलो मृदंगम के तौर पर उसको लेके आए थे। उससे पहले तक काफी सालों तक भी, अभी भी मृदंगम सब अकंपेनिंग इंस्ट्रूमेंट, हम किसी से संगत करते हैं, और संगत जो है वो इजी भी नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन क्या है, संगत करते करते जब आप बहुत पर्सनली भी सीखते हैं ना, आप ऐसे सोलो मृदंगम सीखते हैं सबसे, तो इस चीज को कहाँ अप्लाई करेंगे? आप संगत कर रहे हैं, ठीक है, एक जैसे उनका अप्रोच है आप उनके अप्रोच से चलना पड़ता है आपको, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट अपना पर्सनल, हाँ पर्सनल है, पर्सनल एज अ म्यूजिशियंस डेवलपमेंट भी कहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। तो जो आपने सीखा है इतना, अगर जो थोड़ा बहुत भी गुरु जी से आपने लिया है, जो आप लेने लायक है, जो आपने लिया है, उसको कहाँ आप डेमोन्स्ट्रेट करें, तो ये सोच मेरे को आने की। कारेकोडी मनी सर इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, क्योंकि उनका अपना ग्रुप था, उन्होंने ऐसा शुरू किया था पहले उस जमाने में कि वो बहुत ही ओपन माइंडेड
फॉरेनर्स के साथ जुगलबंदी करना, अपना एक रिदम का एक रूप बना, तो उस वहां से इंस्पिरेशन लेके मैंने भी बनाया रुद्राक्ष 2006 में, उसको फॉर्म किया था मैंने, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नो कंटेम्प्रेरी क्लासिकल ग्रुप अभी तक 2019 चल रहा है. तो वी आर ऑल ICCR एम्पैनल्ड एंड वी आर ऑल्सो एम्पैनल्ड विद FOI फेस्टिवल इंडिया. सो ये सारे मेरे वहां पर कोई मेन नहीं है, हम लोग देयर वी हैव सिक्स म्यूजिशियंस. If I want to take the name, Aishi Anil Mishra, who is on sarangi and vocals, me on mridangam, ganjara and karnukol, and on sitar is Dr. Shyam Rastogi, sitar and sitar, both he plays, also surbhar, and my student Varun Rajeshikam is doing good, kahon or karnukol, both they will cut and be bajate hain. So sarangi mein Anil Mishra vocals aur sarangi mein hai, aur तबले पे अपने गुरुदेव सिंह नाम रहे. तो हम लोगों ने अपने ओरिजिनल कॉम्पोजिशन भी बनाया, उसमें काफी कुंडकुल बहुत ही रिदम का पैटर्न हुआ था. तो जो हम लोगों ने सीखा, काफी लोगों को वहां पर एक स्पेस मिला कि वी कैन मेक सम ओरिजिनल कॉम्पोजिशन फॉर टोटली ऑथेंटिक रिदमिक स्ट्रक्चर. तो इसमें मैं अभी ऑथेंटिक मृदंग में जाऊंगा जी जी. सो मैनेज करके बजाना पड़ता है. कभी आप सुना हो तो कॉन्सर्ट में आंखों से बात होती है, बिल्कुल वो बताते हैं
हाँ थोड़ा ऐसे बताएंगे, हाँ इसका मतलब ऐसे हाथ हो गए, इसका मतलब है कि 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं। जी जी तो आप समझ, वो समझना होता है, वो हाँ। एक बॉडी लैंग्वेज होता है म्यूजिशियंस का। तो ऐसे ही आपसे एक और चीज हम भी समझना चाहेंगे, था थी थोप नम, ये चार प्रकार की थाप जो है, क्योंकि पूरा थाप पर ही बेस्ड है मृदंगम बजाना, तो उसमें डिफरेंस। देयर आर 4 सिलेबल्स इन मृदंगम, ता ती तोम नम, ये 4 सिलेबल है। मैं नेचुरल राइट साइड है मेरा, तो मैं राइट से बजाता हूँ, तो मेरा पहला सिलेबल लेफ्ट से शुरू होगा। देयर आर मेनी पीपल हु प्लेस फ्रॉम लेफ्ट आल्सो, तो उनके लिए राइट से शुरू होगा। सो मैं एज अ राइट हैंडर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो पहला सिलेबल है वो राइट लेफ्ट से शुरू होता है, और लेफ्ट का मृदंगम का जो है जो बेस एरिया है उसमें पूरा ता। अच्छा आप जो बजाएंगे, मैं ता बोल रहा हूँ तो मृदंगम बोलना चाहिए, इट स्पीक्स। अभी बंद कर देगा बोलना, ता बोलेगा। अब मैं ती बोल रहा हूं तो फिर तुम है थर्ड, फिर नाम है जो मीट मत, तो मतलब एक्चुअली मृदंगम स्पीक्स। अगर अगर मैं एक बोल रहा हूं ता किट किट तक नक तरी किट तक ती किट के, अब बोल रहा हूं तो जैसे मैंने पहले एक कोर में बजाया था, बोल के सुनाता हूं जी, मैंने तो बजा दिया, अब बोलते कैसे, मुझे ये लगता है कि हर प्रोग्राम कोई प्रोग्राम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मेरा अपना खुद का मानना है, कोई भी प्रोग्राम कि आज वहां बजा रहे तो छोटा है, वहां बजाना तो मेरे को वही पड़ेगा, उसमें मैं ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी, चाहे मैं किसी के साथ भी बजाऊं। बट यस, हाँ, बिग नेम्स डू मैटर्स, उनके साथ बजाने से एक अनुभूति जो होती है वो एक्सप्लेन कर नहीं सकते। जैसे बालू मुरली जी के साथ ही मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ आपको, तो उनका वो ही वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ दी वेरी ऑन स्पॉट म्यूजिशियन। आप उनके साथ पूछ नहीं सकते, मेरा संगीत सम्मेलन भारतीय विद्य भवन कमानी में था, तो इतनी हमारे में हिम्मत भी नहीं होती किसी की, पूछ नहीं सर आज क्या गाने वाले, कौन सा गाने वाले, क्या गाने वाले, कौन सा कॉम्पोजिशन गाने वाले, क्या करने वाले, आप नहीं पूछ सकते। और जनरली और कोई होता तो शायद हम पूछ भी लेते, तो ये तो पूछा नहीं, तो बजाना शुरू किया, तो मैंने बहुत अच्छे, तो लास्ट में उनका एक तिलाना है, कुंदवाला तिलाना, तो उसमें अच्छा ही इज ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजर, और वो एक्सपेक्ट करते भाई, उनकी बड़ी खासियत बात थी कि ही वाज अ मृदंगम प्लेयर आल्सो, ही वाज अ वायला प्लेयर आल्सो, सो ही न्यू एवरीथिंग, तो वो इम्प्रोवाइज बहुत मैथमेटिक्स करते हैं, तो ऑन स्टेज बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन उन्होंने किया, और मैंने बजाया, मेरी बात में अप्रिशिएशन में काफी लोग बैठे हुए थे नीचे, पंडित बिरजू महाराज जी से, सब बड़े बड़े नेशन से, सो वो एक मेरे को ऑन स्पॉट एक बढ़िया एक बेटी जी, अब जाते जाते आपसे कुछ अच्छा सुन सकते हैं बेसिक, आप अपने साथ एक तंजीरा भी लेकर आए हैं, अगर हम चलते चलते आपसे तंजीरा, जो मृदंगम में हम दो हाथ से बजाते हैं, इसमें एक ही हाथ मिलता है, एक से उसको मैं सेम कोर वही आपको बजा के देखा, जो तकदीम बोला था मृदंगम में बजाया था वही कंजीरा सेम हम बजा के देखा, सो दैट रिलेट कर पाया जी। बेटी जी,
आप यहाँ आए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुड इवनिंग इंडिया के आज के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा गुड इवनिंग इंडिया का आज का ये अंक हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com और अगले हफ्ते आप